हम लोग जा रहे हैं कैलाश गुफा कांवड़ यात्रा में, और आज है हम लोग का तीसरा दिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट एंड सेकंड दिन कहाँ गया, बताता हूँ, पर उससे पहले ये क्लिप देखिए। आज है 30 जुलाई और हम लोग 3 बजे का बस पकड़ कर निकल चुके हैं सीधे अंबिकापुर। मैं खा मखा चला चला और बढ़ता गया। अंबिकापुर पहुँच कर पैदल चलते चलते हम लोग रवाना हो गए शंकर घाट के लिए, और रास्ते में दिखा हमें ये झांकी। पैदल चलते चलते हम लोग सीधे पहुंच गए शंकर घाट, और वहां पहुंचते ही हमें दिखा कुछ इस प्रकार का दृश्य। पसीना हो गए हैं गाइस, डांस मस्त पसीना पसीना पूरा हो गए हैं यार। अभी यहाँ पर अब जा रहे हैं सोने, ताकि कहेगी आज रात को 12-1 बजे लगभग निकलना है हम लोग क्लास पकड़ के पैदल यात्रा, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो गाइस इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगभग 1.5-2 घंटा आराम किए, और रात के 12 बजे उठकर हम लोग यहाँ पर स्नान किए और जल लेकर निकल लिए अपने कांवड़ यात्रा के लिए। रात और दिन पैदल चलते चलते शाम के 5 बजे हम लोग पहुँच गए बांसाझाल। चलते समय का वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। यहाँ पहुँच कर सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया और भंडारा खाकर सब लोग यहाँ पर सो गए, और जब सुबह नींद खुला तो यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा था। बोले तेरी नगरी में आके सुकून मैं पाता हूँ, ना लगती भूख प्यास। आज है हम लोग का तीसरा दिन, और अभी हम लोग आज रात को ठहरे थे बांसाझाल में, और अभी जा रहे हैं देखिए सब लोग यहाँ से। तो गाइस अभी हम लोग थे बांसाझाल में, और यहाँ से देखिए नहर है, और यहाँ से पानी बहुत ही तेज रफ्तार के साथ, देखिए कितनी रफ्तार है। और यहाँ का व्यू चेक करिए, पानी का कुछ नहीं होगा, गांव के जैसी छोड़े हैं ना। हाँ तो इनका कहना है आराम से एक छलांग लगा के भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस यहाँ पर देखिए इन लोग स्नान कर रहे हैं, देखिए। तो देखिए गाइस इन लोग उठक बैठक क्यों कर रहे हैं, अभी इनसे पूछेंगे हम, लेकिन पहले देखिए। तो आप बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? कसोगस मत पूछ यार। म्यूजिक
करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी प्यारे नजर। यहाँ पर हम लोग पैदल चढ़ चढ़ के हो गया है हमारा एकदम हालत खराब। इसी बात पे बोलिए बोल गाइस, अभी बजा है सुबह के 9 और देखिए यहाँ का वातावरण अच्छा, आसमान हमारे जैसे जैसे करीब है चढ़ रहे हैं ना, हाँ हाँ वैसे थोड़ा सा आसमान की ओर नजदीक जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा दिखाइए सर, यहाँ पे क्या बन रहा है? बोलबम बोलबम माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे मंगरी कर भाटी में माल पी। ऐसे हम लोग पैदल चलते चलते हमारा लगभग आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर देखिए इन लोग थोड़ा विश्राम कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर विश्राम करने चलते हैं। सावधान कर लो, 5, 6, 7, 8 तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे चुके हैं ऊपर में। इधर का दृश्य मैं खा रहा हूँ अभी, अमरूद मिल चुका है मेरे को, क्या है चाय के साथ। बोल भी यहाँ ट्रैफिक पूरा जाम है ऊपर का भीड़ गाइस, यहाँ पूरा डीजे ही डीजे। अब जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर में आपके पास डीजे ही नजर आएगा, खाली डीजे खाली डीजे। देखिए अब गाइस अब हम लोग जा रहे हैं डांस करने एंड आप सब भी चलिए। We'll be right back.
डांस करने के बाद हम लोग खाना खाकर यहीं एक पंडाल में सो गए। इसी के साथ हमारा कांवड़ यात्रा का तीसरा दिन समाप्त होता है। अगली सुबह हम सब उठकर इस रास्ते से होते हुए चले गए शिव जी को जल अर्पण करने। यहाँ जल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, और आज बारिश भी हो रही थी जिसके कारण सभी श्रद्धालु छतरी रेनकोट इत्यादि ओढ़े शिव जी को जल चढ़ाने एक लाइन में खड़े थे। हे शिव जी तेरी लीला प्यारी। 2-3 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद हमें भी शिव जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्त सारे ओ भोलेनाथ जी डमरू बजे तेरे नाम का, ओ मेरे भंडारी नशा मुझे तेरे जाप का। हे महादेव शंकरा तुझसे संसार चले, बम बम भोले देख तेरी जय जयकार चले, वार चले पाप पे शक्ति तेरे जाप में। तो गाइस ये रहा हमारा 30 जुलाई से 2 अगस्त तक का जर्नी। यदि आपको यह जर्नी अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।